गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास स्टूडेंट्स। बेटा, हमने प्रीवियस क्लास में इंग्लिश में चैप्टर नंबर वन प्रेयर है जो, वो कंप्लीट किया था हमने, ठीक है। उसकी एक्सरसाइज क्वेश्चंस हमने सब कंप्लीट कर लिया था। आज हम न्यू चैप्टर्स का स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर सेकंड क्या है? जस्टिस। जस्टिस यानी क्या होता है? न्याय, न्याय करना, ठीक है। ये चैप्टर आज हम रीड करेंगे। क्राउड हैज़ गैथर्ड आउटसाइड द प्लेस ऑफ किंग विक्रमादित्य हु इज़ फेमस फॉर हिज जस्टिस विट एंड विजडम। अब एक बड़ी मात्रा में भीड़ आ रही है। कहाँ पर आ रही है? राजा विक्रमादित्य के यहाँ पर आ रही है, जो कि किस लिए फेमस है? जो कि अपने न्याय की, बुद्धिमत्ता, इनसे क्या है वो फेमस है। विक्रमादित्य एक राजा है यहाँ के, ठीक है। वो क्या करते हैं? न्याय करते हैं। मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो सब उनके पास लेके आते हैं प्रॉब्लम, फिर वो क्या करते हैं? उस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है, और न्याय करते हैं। तो कुछ लोग उनके यहाँ पर आते हैं। किंग हियर्स केसेस एंड डिलीवर्स जजमेंट। अब जो किंग है, जो राजा है वहाँ के, वो उनकी बात सुनते हैं पूरे केस को, फिर उसके बाद वो न्याय करते हैं। द किंग टेक हिज सीट एंड हियर्स द केस। अब जो राजा है वो बैठ जाते हैं अपनी सीट पर और उनका केस, जो उनका जो मैटर है वो सुनते हैं। अब देखिए आगे, विक्रमादित्य। विक्रमादित्य क्या बोलता है? What brings the this two women here? What is their complaint? अब दो वुमन यहाँ पर, दोनों वुमन जो झगड़ा कर रही थी, इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रही है, उन दोनों वुमन को वहाँ पर लाया जाता है। What is their complaint? तुम्हारी क्या कंप्लेंट है? विक्रमादित्य ऐसा बोलते हैं। Describe the case in detail. अपने केस को डिस्क्राइब कीजिए, मतलब जो तुम्हारा जो मैटर है उसको बताओ मुझे कि क्या हुआ। ऑफिसर, जो वहाँ के ऑफिसर रहते हैं वो बोलते हैं, योर मैजेस्टी, महाराज, दिस टू वुमन हैव डिस्प्यूट। ये दोनों औरतें आपस में लड़ रही है। वन इज़ सुमन एंड अनदर इज़ ममता। एक तो सुमन है और दूसरी कौन है? ममता है। विक्रमादित्य, लेट द वुमन स्पीक फॉर देमसेल्व। अब इन वुमन को कहने दो, मतलब इनको कहने दो कि इनका क्या मैटर है। ऐसा कौन बोलता है? विक्रमादित्य कहते हैं, ठीक है। इसके आगे देखिए आप, सुमन, सुमन है वो बोलती है, माय लॉर्ड, मेरे भगवान, दिस इज़ माय बेबी, यह मेरा बच्चा है। कौन बोलता है ऐसा? सुमन बोलती है। आई गेव हर बर्थ अ वीक एगो, मैंने इसे कुछ एक सप्ताह पहले ही जन्म दिया है। बट दिस विक्ड वुमन, बट इस लालची औरत ने, हुज सन डाइड इन द नाइट, इसका जो बेटा नाइट में मर चुका था, तो सेज दैट द बेबी इज़ हर, और ये अपने बेबी, ये मेरे बेबी को अपना बेबी बना रही है, बता रही है, मतलब मेरे बच्चे को अपना बच्चा बता रही है कि ये मेरा बच्चा, ऐसा वो बोलती है। द वुमन स्वोर बाय गॉड टू स्टेट द फैक्ट एंड नथिंग फॉल्स, और ये वुमन गलत है। विक्रमादित्य बोलते हैं, वहाँ के जो राजा थे वो बोलते हैं, बोथ ऑफ यू शुड टेक ऑन ऑथ टू स्पीक द ट्रूथ। अब वो क्या बोलते हैं? तुम दोनों को ही सच बोलना है, मतलब जो सच है वो तुम दोनों को कहना है। अदरवाइज़ यू विल बी पनिश्ड फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, या फिर तुमने अदरवाइज़, मतलब इसके अलावा तुमने कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दी, मतलब गलत बताया, तो उसके लिए तुम्हें क्या करेंगे? पनिश्ड करेंगे, मतलब उनको सजा देंगे। ऐसा किसने कहा? राजा ने कहा। अब ममता बोलती है, माई लॉर्ड, हे भगवान, हे मेरे भगवान, दिस चाइल्ड इज़ माइन, अब ये बच्चा मेरा है। ऐसा कौन बोलता है? ममता बोलती है। आई गेव हर बर्थ एग्जैक्टली 7 days, मैंने इसे 7 days एगो, मैंने इसे 7 दिन पहले ही जन्म दिया है। यस्टरडे आई फेल अस्लीप बिसाइड माई बेबी, कल ये बेबी मेरे साइड सोया था। वेन आई वॉक अप दिस मॉर्निंग, जब मैं मॉर्निंग में उठी, तो आई फाउंड देयर अ डेड चाइल्ड, तो मेरे पास क्या था? एक मरा हुआ बच्चा रखा था। एंड दैट डेड चाइल्ड वॉज नॉट माइन, और मरा हुआ बच्चा मेरा नहीं है। ऐसा कौन बोलती है? ममता कहती है। इट वॉज सुमन्स चाइल्ड, वो किसका है? सुमन का बच्चा है, ठीक है। अब देखिए, दोनों की उन्होंने बात सुन ली, सुमन ने भी बोला कि मेरा बच्चा है, ममता ने बोला ये मेरा बच्चा है, ठीक है। अब विक्रमादित्य क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।